ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंट। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे तत्काल टिकट को लेकर। जब हम तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं तो बुक करने के बाद कई बार हमें क्या होता है, बोर्डिंग पॉइंट हमें चेंज करना होता है, क्योंकि जब हम तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं लेकिन हमें तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम आप लोगों को पता है कि टाइम हम लोगों को काफ़ी कम मिलता है, क्योंकि यदि आप लेट करेंगे तो हम लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में क्या होता है, हम जल्दबाजी में बोर्डिंग पॉइंट उस टाइम चेंज नहीं कर पाते। तत्काल टिकट हम कन्फर्म बुक कर लेते हैं तो इसके बाद कुछ लोग यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं करता है, जिसकी वजह से उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग यदि तत्काल टिकट बुक करते हैं या फिर नॉर्मल टिकट बुक करते हैं तो उस स्थिति में यानी बुक करते टाइम अगर बोर्डिंग पॉइंट आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो बुक करने के बाद भी आप लोग यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलते हैं वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा आप टिकट बुक करने के बाद भी आप लोग बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम फाइनली यहाँ आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप लोग को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अपडेट कर लेना है। यदि आपने ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं तो आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जिस यूजर आईडी और पासवर्ड से आपने टिकट बुक कर रखी है, यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो हम फटाफट कैप्चर फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे वेरीफाइड होगा यूजर आईडी। वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे माई बुकिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद इस टिकट इस आईडी में जितने भी टिकट बुक होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस टिकट को आपको बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट हमने आज ही बुक किए हैं और ये टिकट हमारा कन्फर्म बुक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं 3rd नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज बोर्डिंग पॉइंट। तो सिंपल इस पर 3rd नंबर पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। आप लोग बोर्डिंग पॉइंट 24 घंटा पहले ही चेंज कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते, इन बात को ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं मैंने टिकट सीतामढ़ी से टिकट बुक कर रखे है लेकिन हमें बोर्डिंग पॉइंट जो है मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अपडेट बोर्डिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा बोर्डिंग पॉइंट जो है चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाह रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं।